हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 73 साल यानी 73 ईयर्स हो चुके हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। तो 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ादी की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, कई सारे क्रांतिकारियों की वीर गाथाएं आपने सुनी होंगी। देश आज़ादी में विदिशा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई सारे क्रांतिकारी ऐसे हैं जो या तो देश के लिए शहीद हो गए या अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर स्वर्ग में विलीन हो गए, या कुछ ऐसे भी हैं जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। इन्हीं में से एक हैं रघुवीर चरण शर्मा जी, और विदिशा के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो आज हमारे बीच हैं। रघुवीर चरण शर्मा जी अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन की मुहिम में शामिल थे, साथ ही अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित कर जेल भी भेज दिए गए थे। इसीलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त को उन्हें सम्मानित करने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया था। अस्वस्थ होने के कारण वे दिल्ली नहीं जा सके। ऐसे में महामहिम राष्ट्रपति के संदेश को लेकर कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन उनके निवास पर पहुँचे। उन्हें पुष्प और वस्त्र भेंट किए गए और महामहिम के संदेश को भी उन्हें सौंपा गया। 13 फरवरी 1926 को जन्मे श्री रघुवीर चरण शर्मा जी ने 14 साल की उम्र से ही देश सेवा के कार्यों में रुचि लेना शुरू कर दिया था। विदिशा प्रजा मंडल के अन्य नेताओं के साथ गांव-गांव जाकर अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग करने के लिए अपील करने लगे। विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों के बहिष्कार के लिए आंदोलन चलाया। परिणाम ये हुआ कि 1942 में उन्हें उनके अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर मुंगावली जेल में डाल दिया गया और 8 महीने बाद उन्हें छोड़ा गया। समय बीतता गया, देश आज़ाद हुआ, लेकिन रघुवीर चरण शर्मा जी का योगदान देश और समाज के लिए कभी कम नहीं हुआ। हमेशा से ही अपने निजी खर्चों में से पैसे बचाकर वो समाज सेवा के कार्यों में दान करते रहे हैं। तो आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम का अपना महत्व होता है। देश सेवा, सबसे बड़ी देश सेवा वो है कि आप अपने पोस्ट पर रह कर ईमानदारी के साथ काम करें। क्या ये मेरा संदेश है? ये कोई भी काम हो, चाहे आप झाड़ू लगाना काम करते हो या और दफ्तर में काम करते हो, आप अपना काम ईमानदारी के साथ करो। ये सबसे बड़ी देश सेवा है, इससे बड़ी देश सेवा कोई नहीं हो सकती। आदि को इतने वर्ष हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब अभी भी हमारा देश पूरी तरह आज़ाद है या फिर कुछ समाज में ऐसी बुराइयां हैं जिनसे हमें आज़ाद होना है? आज़ाद तो हो गया है, लेकिन इस वक्त जो है बहुत परेशानियों में हमारा देश जा रहा है। ये कोरोना की वजह से बहुत परेशानी हो गई है, बहुत हालात। जैसे मोदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मोदी जी दूसरे देशों को दिशा दे रहे हैं, मोदी जी को वो फॉलो कर रहे हैं, तो मोदी जी का तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बहुत बहुत ही बहादुर आदमी है, बहुत ही मेरी समझ में तो वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं हुआ होगा कि जिस व्यक्ति की बात को सभी मानते हो। इनकी बात को तो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानता दी जाती है, तो मोदी जी का तो साल कुछ पूछो मत। क्या पता कहां से इतनी ताकत आ गई हमने, हर देश उनको फॉलो कर रहा है। गवर्नमेंट यद्यपि जो कुछ भी कर सकती है, बहुत कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की भी एक सीमा होती है, उतना ही कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो देश मुसीबत में जा रहा है इस वक्त, बहुत मुसीबत में है। लड़ाई का इधर पाकिस्तान का भी डर है, उधर चाइना का भी डर है। क्या तो हमको बहुत इतनी मुश्किलों का तो समय मेरे ख्याल से मेरे देखने में तो भैया कभी नहीं आया। हमारे देश की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया, युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं हम
कि तुम अपनी सरकार के साथ रहो, विरोध मत करो, कोऑपरेट करो, उसको अपने कामों को आगे बढ़ाओ, नुक्ताचीनी मत करो, जो सहयोग दे सकते हो वो आप दे, नुक्ताचीनी मत करो, उससे अवरोध पैदा होता है, जो हम कर रहे हैं वो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने रघुवीर चरण शर्मा जी कितने बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने हमसे बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत की। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम रघुवीर चरण शर्मा जी का। साथ ही ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें और भी लंबी आयु दे। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जैसा कि हमें नहीं पता है कि कोरोना काल कब ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं भी आपसे यही गुजारिश करूंगी कि अगर घरों से निकल रहे हैं तो पूरी सेफ्टी से निकलिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। तो हम जल्दी ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।